ये कंपटीशन कंपटीशन नहीं रह गया, अब ये कंपटीशन एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें न जाने कौन कौन लोग इंक्लूड हो चुके हैं और न जाने किन किन लोगों ने अपने हाथ पसार दिए हैं। दो से तीन एंट्री इसकी सोनू सूद सर के पास भी पहुंच चुकी है, पता है आपको। सब बेस्ट न्यूज़ की मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कॉम्पिटिशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब अभी डिसीजन के पहले ही एंट्रीज जो है वो उसके गंतव्य स्थान तक, जिसको बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आज बेसिकली अभी मैं कुछ कर रहा था, अभी देखो टाइम कितना हुआ है, पहले सबसे पहले घड़ी में देख लो, अभी बजे हुए हैं सुबह के 11। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग थिंग मैं कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम का जो मेरा ट्राई था इसका, वो फेल हो गया था बेसिकली पूरी तरह से। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं और बेहतर ढंग से इसको करूँगा, और मैंने उसके लिए कुछ मटेरियल्स वगैरह भी जुगाड़ किए थे। सबसे पहले एक और चीज़ आप देखो इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक आर्ट वर्क और लगा दिया अपना, जो दूसरे वाले रूम में लगा था। आप लोगों में से ही किसी ने सजेस्ट किया था, और थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी सच थिंग, कि पीछे और ज़्यादा आर्ट वर्क आप अपने लगा दीजिए। तो मैंने ये वाला आर्ट वर्क जो है देखो यहाँ पे वो लगाया है। थोड़ी सी लाइट्स पड़ रही हैं इस पर, तो मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख पाओ। ये देखो इस तरह से यहाँ पे ये वाला आर्टवर्क लगा है, ये पेस्टल से किया हुआ आर्टवर्क है, और अभी तक देखो कितना बेहतरीन लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आप बताना कि स्टूडियो का सेटअप में कुछ बदलाव नज़र आया कि नहीं। एक तो वहाँ पर वो वाला आर्टवर्क चला गया, और ये जो है ये तो लाइट्स हैं, तो लाइट्स मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। देखो अब देखो एक आर्टवर्क नीचे, एक आर्टवर्क ऊपर है, और एक आर्टवर्क वो लगा हुआ है। तो और भी बहुत सारे आर्टवर्क हैं जो मैं अभी फ्रेम पे देने जाऊंगा, और आप लोगों को भी साथ में ले लूँगा उस दिन की फ्रेमिंग में, हम क्या क्या बातें करते हैं और कैसे हमें बेसिकली फ्रेमिंग करानी चाहिए उस बारे में मैं बात करूँगा। दूसरा, आर्ट कॉम्पिटिशन की कुछ एंट्रीज जो हैं वो सोनू सूद सर ने अपने घर पर मंगवाई थी, पता है आपको। जो एक आपको मैंने दिखाया था राहुल का, उसका जो है वो फ्रेम करके वो उसको घर भेज रहा है। तो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आर्ट की पावर है। इस पावर को आप कम मत समझो, मतलब लोग सोचते हैं कि अरे आर्ट कॉम्पिटिशन करा रहा है तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी, या ये छोटे लेवल की चीज़ है, इस पर कोई बहुत बड़ा लेवल तो है नहीं। अब यहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये कितने बड़े लेवल की चीज़ है। अब आप देखो, जिससे हम इंस्पायर हो रहे थे और जिससे हम ये सोच रहे थे कि ये आर्ट कंपटीशन हम रख रहे हैं उससे इंस्पायर होकर के, उन पर्सनालिटी से, अब वो पर्सनालिटी ने खुद आके देख लिया उस चीज़ को, है ना। और वो सच में बहुत बड़े हीरो हैं, मतलब वो इसलिए नहीं क्योंकि वो बॉलीवुड एक्टर हैं, वो इसलिए क्योंकि जो आपको टफ टाइम में जो आपकी मदद करे ना, एक्चुअल सुपर हीरो वाली जो सिचुएशन होती है कि सुपरमैन आएगा और जो प्रॉब्लम चल रही है उसको बचाएगा, ये वहाँ यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। उन्होंने, मैं जब अभी रेडियो में सुन रहा था, बहुत सारे डिस्कशंस आते रहते हैं उनको लेकर के, उनकी बातें होती रहती हैं। मैं अभी जब रिसेंटली मैं उनके एक रेडियो पे, मैं जब कार से जा रहा था अपनी, तो मैंने रेडियो पे सुना कि उनका इंटरव्यू आ रहा था, और वो यही बता रहे थे कि उनको कितने फ़ोन्स आते हैं, कितने। तो वो आप लोग भी सुन सकते हो, वो रेडियो मिर्ची पे भी पड़ा हुआ है उनके यूट्यूब चैनल पे, रेडियो मिर्ची के यूट्यूब चैनल पे वो, और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि बेसिकली कितने ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं उनको डेली, और वो कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों की। सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है यार, मतलब जो टफ़ टाइम में आपकी मदद करे, जो टफ़ टाइम में आप लोगों के लिए खड़ा हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और उन्होंने आगे आके हमारे आर्टवर्क्स देखे, एंट्रीज देखी हैं, और अब वो रेगुलरली बहुत सारे आर्टवर्क्स को, मतलब उसके बाद दो तीन आर्टवर्क्स और भी उन्होंने अपने स्टोरीज़ में डाले, मतलब कितना अभी। और अब जब मैं, मतलब आप लोगों के एंट्रीज़ में सेलेक्ट करके कुछ एंट्रीज़ को अपनी स्टोरीज़ में डालूंगा, वो फिर वहाँ देखेंगे, एंड दिस इज़ समथिंग जिससे उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा फील होगा, और ये हमारा छोटा सा जो एफर्ट है ना, वो उनको और इंस्पायर करेगा। तो ये कैसे एक साइकिल बना हुआ है कि पहले हम उनसे इंस्पायर हुए, और हमने उनके लिए एक, मतलब उनको रेफरेंस लेके एक आर्ट वर्क कॉम्पिटिशन रखी, और अब वो उसको देखेंगे और वो फिर से फर्दर उस चीज़ से और इनकरेज होंगे। कितनी अच्छी बात है ये, है ना, कितनी पावरफुल थिंग है आर्ट। आप सोच के देखो कितनी पावरफुल थिंग है, और आप लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो कि किसी भी इवेंट को आप कैसे बना सकते हो, समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेटफुल। जो मैं आर्ट वर्क कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो आर्ट वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आर्ट वर्क चल रहा है, ये बेसिकली एक्रेलिक कलर्स के ऊपर आर्ट वर्क है। ये देखो पैलेट पूरी की पूरी मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए, और इस तरीके से
ये जो है ना एक्रेलिक, ये पूरी तरह से रबड़ जैसा सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे देखो, ये फिर बाद में आप इसको फर्दर डाइल्यूट करके नहीं यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए आपको बहुत वाइजली जो कलर्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि बाद में सारे कलर ये जो हैं ये पूरे के पूरे अब यूज़ में नहीं आएंगे फर्दर, है ना। तो ये एक फंडामेंटल है। पीछे देखो कौन आ गया। हेलो। कौन है ये? माधव है, हमारे माधव जी। क्या हाल है माधव? ठीक है, बाल काट लिए अपने। बाल खुद से काटे हैं मैंने, और बुरा हाल हो गया पीछे से। पीछे से तो बहुत ज़्यादा कट गया है। क्या बोला? तो मैं बेसिकली यही दिखा रहा था इन लोगों को कि क्या मैंने आर्ट वर्क किया है एक्रेलिक यूज़ करके। और ये जो ब्रशेज़ है ना, ये जो मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम भी, ये वाले ब्रशेज़ यही मैंने यूज़ किए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं ड्रॉ बेसिकली क्या कर रहा था। तो मैं दिखाता हूँ, है ना। तो देखो, पर्दा हट रहा है और आर्ट वर्क दिख रहा है। ये देखो, थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ, है ना। और माधव, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कुछ? हाँ कर रहा हूँ। हाँ, क्या पढ़ रहा है? मैथ्स। और ड्राइंग बना रहा है? हाँ ड्राइंग बनाता हूँ। क्या बनाता है आजकल? तेरा गैराज बैंड वाला म्यूजिक जो है ना, वो तू बना और उस पर मैं रैप करूंगा। हैं, कुछ हम लोग रैप करेंगे, ट्राई करेंगे रैप, ठीक है? ठीक है। हाँ, गैराज बैंड में अपना म्यूजिक बनाएगा ये, और फिर मैं उसको कोशिश करूंगा कि हाँ, वो तो पहले बेसिकली जो ऑलरेडी सेव्ड थे ना उसमें से ही यूज़ किए थे, इसीलिए वो इतने अच्छे सिंक में हुए नहीं। तो अब जब हम अपना खुद से गैराज बैंड में म्यूज़िक बनाएंगे तो उसको फिर वहाँ पे हम सिंक करने की हमें आज़ादी होगी। हम अपना उसको बेसिकली बीट्स पे, ऑफ बीट कभी नहीं होगा, तो वो अच्छी चीज़ रहेगी। और माधव जो है वो म्यूज़िक डायरेक्ट करेगा, देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आएंगे। और जबरू भाई जो हैं वो उसको लीड करेंगे। माधव भाग गया, और बाय तो बोलते जाओ। बाय बाय। जबरू को बुलाना, जबरू को। जबरू आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जो आर्टवर्क मैं आपको बेसिकली कर रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये आर्टवर्क अब देखो कैसा डिटेल्ड है या क्या है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट ट्राई, तो फर्स्ट ट्राई में ये ऐसा ही रिजल्ट्स आए हैं अभी तो फिलहाल। कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना, है ना, कि क्या है। मैंने थोड़े और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं यहाँ पे। थोड़ा मैंने वाटर कलर का इफेक्ट दिया है, और यहाँ पे मैंने पैचेस मारे हुए हैं। कुछ काम अभी इसमें बचा हुआ है, क्योंकि रिसेम्बलेंस अभी उतना नहीं आया है। तो रिसेम्बलेंस कि अभी मैंने परवाह नहीं की है। परवाह मेरी ये थी कि कैसे कलर्स बेसिकली यूज़ होते हैं। और ये ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ जो हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये ब्रशेज़ बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, और आप मतलब वॉश करने के बाद भी हार्ड से होते हैं। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे बेसिकली यही है, ये वाले कलर से यूज़ किए हैं जो फेवर कैसल वाले ब्रांड के हैं, ओनली 12 जो उसमें थे उसी को यूज़ करके मैंने ये ड्रॉ किया है। मुझे तो अभी एज ऑफ नाउ फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ठीक लग रहा है, बट आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। रिव्यू आपके इम्पॉर्टेंट हैं, मेरे उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। कैसा लगा, ठीक है, एक तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। और इस पे इसको मैं रिव्यू भी करूँगा, मतलब आर्ट वाले चैनल पर जब डालूँगा उसके बाद फिर फर्दर यहाँ पे एक और हम रिव्यू करेंगे, कुछ और भी ट्राई करेंगे करने का। अभी तो एकदम ये देखो रहे हो, ये स्टाइल जो है फिल्मी पोस्टर स्टाइल जो होता है ना, वो ऑप्ट करने की यहाँ कोशिश की थी मैंने, और वैसा ही कुछ लग भी रहा है ना। और मैं इनकी सीरीज़ देख रहा था, गज़ब की बनाई यार, ज़रूर देखना फैमिली मैन। और मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लगी जो नेक्स्ट अभी रिसेंट वाली फैमिली मैन आई है, मैंने देखा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। इंडिया में भी इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि अब लोग असली जो कोर कंटेंट है उसको समझ रहे हैं। तो लाइव आने के बाद अभी मैं आप लोगों से दो तीन बातें, इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो लाइव पूरा देखा करो, है ना, हमेशा। सबसे पहला पॉइंट नंबर एक है, क्योंकि बहुत सारी, ये अभी फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट है मेरा, मुझे जहाँ तक याद है आज तक मैं दो बार ही खाली लाइव आया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। आजकल थोड़ा बहुत टाइम मिल पा रहा है तो उसमें मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और लकीली आज जब मैं लाइव आया था तो शुरुआत में इट वॉज लाइक, अच्छा पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसको मैंने सेट किया था लाइव के लिए, वहाँ पे लाइव जाने की कोशिश किया तो हुआ ही नहीं। ये हर बार होता है यूट्यूब के साथ, आई डोंट नो वाई। लास्ट टाइम भी हुआ था कि वो वाला एक्टिव नहीं होता है, फिर नेक्स्ट एक लाइव और करना पड़ता है, मतलब तुरंत ही क्रिएट करना पड़ता है। वो तो खैर मैंने कर लिया, और जो वहाँ पे लोग थे वो डिसअपॉइंट हो गए जो जा रहे थे, वहाँ पे जाके फिर किसी से मैसेज लिखवाया तो लोग इधर आ गए कि ये वाला लाइव ज्वाइन कर लिया। दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि लोग आ गए थे, और पीक टाइम पे ऑलमोस्ट 500 या 600 लोग थे जो एक्टिवली वॉच कर रहे थे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, फिर बाद में पूछते रहते हैं कि सर क्या करना है, सर कहाँ एंट्री देनी है, सर कहाँ भेजना है, सर क्या करें हम, सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सर हमें बता दीजिए ना। लाइव वाले चीज़ पे पूरा बोला था मैं, साफ साफ बोला था, लेकिन फिर से
अभी मैं उनके लिए, जिन लोगों को नहीं पता है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, जो मुझे मेल पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें नहीं पता, हमें बता दो क्या करना है, उनके लिए मैं एक बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अटेंटिवली होकर अगर आप लोग समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ इस कंपटीशन के बारे में, क्योंकि अब ये कंपटीशन कंपटीशन नहीं रह गया, अब ये कंपटीशन एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें न जाने कौन कौन लोग इंक्लूड हो चुके हैं और न जाने किन किन लोगों ने अपने हाथ पसार दिए हैं, ठीक है। मतलब 2 से 3 एंट्री इसकी सोनू सूद सर के पास भी पहुँच चुकी है, पता है आपको। इट्स द बेस्ट न्यूज़ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कंपटीशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब अभी डिसीजन के पहले ही एंट्रीज जो हैं वो उसके गंतव्य स्थान तक, जिसको बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड। आप देख रहे हो मेरी जो खुशी है, जो हंसी है, वो इसीलिए है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हुआ क्या है कि आपको बताया था मैंने कि ये बाबा जो हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, देखो कंप्यूटर बाबा, इन्होंने कर दिया है कांड। और हमेशा की तरह यही जो गूगल भैया हैं, वो उन्होंने जीमेल जो है मेरा फिर से डाउन कर दिया और डिसेबल कर दिया। अब ये डिसेबल वाली चीज़ जो है ये तो चली रही है इनके साथ, तो क्या करूँ मैं। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 1200-1100 कुछ एंट्रीज जो हैं वो तो डाउनलोड कर ली थी, उसके बाद ये फिर से डाउन हो गया, मतलब डिसेबल हो गया। तो मैंने लाइव वाले पे एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन आपको बताया है। सॉल्यूशन ये है कि आपको, ये आप लोगों में से ही किसी एक फॉलोवर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम की मदद ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे होते हैं हैशटैग्स, और उन हैशटैग को अगर कोई यूज़ करेगा तो वो हैशटैग का अपना पूरा पेज बन जाएगा अपने आप, हैशटैग के नाम से। तो पसीने आ रहे हैं, गर्मी है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने एक हैशटैग बताया आपको, हैशटैग सोनू आर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। सब स्मॉल में है, क्योंकि पहले सोच रहे थे कि कैपिटल लेटर में होगा, बट पता ये चला कि इंस्टाग्राम पे कैपिटल लेटर के हैशटैग्स नहीं है, स्मॉल लेटर के ही हैं। तो आपको स्मॉल लेटर लिखना है, हैशटैग SONUARTCOMPETITION, कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग है COMPETITION, स्पेशल अच्छे से याद रखना, कंपटीशन में अक्सर कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। तो वैसे अब ये टैग बन चुका है, तो आप जैसे ही सोनू आर्ट सी लिखोगे ना, अपने आप वो पहला आ जाएगा सोनू आर्ट कंपटीशन के नाम से। आपको उसको बस टैग करना है। मतलब अब ये कैसे करना है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप कोई भी पोस्ट डालते हो ना नॉर्मल अपने पेज पे, आपने जैसे आज कुछ ड्राइंग किया तो आप पोस्ट डालते हो, पोस्ट डालनी है नीचे फीड में जहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि ये आर्ट कैसी बनी है, या हैशटैग वाली, वहाँ पर आपको हैशटैग सोनू आर्ट कंपटीशन लिखना है। और उसके आगे, मतलब टैग बन लिख जाने के बाद, उसके बाद वहाँ पे आपको सिंपली अपना एज और अपना नेम डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कहो तो मैं दिखा भी दूँ आपको कि कैसे आप बेसिकली हम पोस्ट डालते हैं तो हमें क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इंस्टाग्राम खोलता हूँ मैं अपना, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एक इंस्टाग्राम खोला, अभी भी देखिए किसी ने पोस्ट डाली हुई, अच्छा प्रसाद सर ने अपनी पोस्ट डाली है यही वाली, ठीक है। इसमें देखो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे हैशटैग सोनू आर्ट कॉम्पिटिशन, और हैशटैग अंकित जसमाती अभी डाला है इन्होंने। इसकी वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, केवल सोनू आर्ट कॉम्पिटिशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ रिक्वायर्ड। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे लेट से मैं दिखा देता हूँ आपको, एक पोस्ट डालनी है यहाँ पे से ऐड करना है, और आपको पोस्ट डालनी है, तो यहाँ से पोस्ट खुल गया। और लेट से ये जो मैं आर्टवर्क कर रहा था यही वाला है, लेट से मैं इसी को पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको पोस्ट किया आगे, यहाँ पे मैं और आगे बढ़ा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट कैप्शन जो आता है ना, उसी राइट कैप्शन में आपको यहाँ पे केवल हैशटैग लिखना है, फिर लिखना है सोनू SONU सोनू आर्ट, ठीक है। सोनू आर्ट लिखते ही और सी लिखते ही सबसे पहले आ रहा है सोनू आर्ट कॉम्पिटिशन, 205 पोस्ट हो चुकी हैं उसकी, यहाँ पे देख लो। तो ये वाला आपको बस को टैग कर लेना है, उसके नीचे एंटर करके आप अपना नेम लिख दोगे, नेम इज़ दिस, जो भी नाम है आपका, और उसके बाद आप अपनी एज लिख देना कि एज क्या है मेरी, ठीक है। बस इतनी चीज़ लिखनी है और यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है, तो ये पोस्ट हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको और कुछ नहीं करना, किसी पेज पे नहीं जाना, सिंपल यही काम करना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग।
समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बस यही करना है और फिर देखो मज़ा क्या होता है। क्योंकि वहाँ पे सबसे इजी चीज़ ये रहेगी कि मैं सारी के सारे पेज बन जाएगा उस पर, इंस्टाग्राम पे सारी एंट्रीज रहेंगी, वहीं देख लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब लाइव करेंगे तो मैं सीधे उसको खोलूँगा इंस्टाग्राम को, और वहाँ पे हैशटैग पे जाएंगे और सीधे सीधे उसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, और इंस्टा पर ही लाइव आ जाएंगे, ये भी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी डन। और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा, हर किसी को उस दूसरे की एंट्री नज़र आएगी, मतलब इट्स लाइक अ ग्लोबल थिंग कि कोई भी कहीं से भी उस एंट्री को देख सकता है जो आपने एंट्री डाली है। एक प्रॉपर एक हैशटैग पेज बन गया। इसमें कोई भी अर्निंग नहीं होती, पहली बात तो ये बता दूं, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि इससे कुछ अर्न करने वाले हो या कोई बिजनेस मॉड्यूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। नो बिजनेस मॉड्यूल लाइक दिस इज रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कोई बिजनेस मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों के एंट्रीज मैं देख पाऊँ बेहतर ढंग से, और एक ही पेज पर रहेगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाएंगे उसको बड़ी आसानी के साथ। ये करना है आपको, और साथ में मैंने अभी आर्ट वर्क चल ही रहा था, इसमें कुछ और फिनिशिंग्स मैंने की हैं, ठीक है, जिसको मैं अपने आर्ट वाले पेज पर डाल दूंगा। मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरा, लाइव जब हम आते हैं ना तो लाइव पे थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए ही है, इसमें मेरा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। जैसे कि अगर कोई सोचे कि इसमें कुछ मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है, मेरे का खाली यही बेनिफिट है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को इस अच्छे ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं कि जो पूरी तरह से सेंट्रिक है आप लोगों के लिए। और आर्ट की पावर तो आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा बेहतर हो चुका है ये इस समय, कि हम जिसके लिए कॉम्पिटिशन रखें, जो सब्जेक्ट रखें आर्ट कॉम्पिटिशन का, उन तक भी ये पहुँच चुकी हैं चीज़ें कि आर्ट कॉम्पिटिशन, और क्या पता कौन जाने कि वो कल आ जाएं, एक वीडियो भेज दें या कुछ कर दें या कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना आपको, सोशल मीडिया कुछ भी पॉसिबल है। तो फिलहाल इतना ही, अभी फ़िलहाल साइन ऑफ करता हूँ। और जबरू ने आके बहुत रॉक किया था लाइव में, बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट टाइम शायद मास्टर जी आ जाएं, ओल्ड आर्टिस्ट खेलूमल जी, पता नहीं, देखते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगा तो आप कोशिश करना कि पूरे टाइम तक रहो, ताकि जो लास्ट में इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अब थोड़ा जल्दी जल्दी लाइव आएंगे और सिखाने वाला कार्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं। चाकोल से पहला लाइव सेशन करने वाला हूं मैं जल्द ही इसी ब्लॉगिंग वाले चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सुपर ऑसम चीज़ें मैं करता रहता हूं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय। #सोनू आर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, सब स्मॉल में है।